जमशेदपुर में जनता दल यूनाइटेड जिला इकाई के द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। जिले के उपायुक्त के माध्यम से इन्होंने राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने घाटशिला को जिला और बहरागोड़ा को अनुमंडल बनाने, MGM अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने, जिले के समूचे चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने, राज्य में बंद पड़े खदानों को खोले जाने, बंद पड़े केबल कंपनी को चालू करवाने, बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान किए जाने संबंधी मांगे इसमें शामिल है। राज्यपाल से इन्होंने इन तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने की मांग उठाई। ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल महोदय के नाम, क्योंकि यहाँ देखिए आज पुलिस के कारण आज कितना गार्जियन बेचैन है, क्योंकि सबको मैसेज आ रहा है जो बच्चे के नाम काट देगा। यदि बच्चा का भविष्य खत्म होता है तो इसका जिम्मेदारी सरकार होगी। सरकार क्यों नहीं नींद से जाग रहे हैं? हॉस्पिटल के देखिए, MGM के बार बार मांग हो रहा है जो हॉस्पिटल के व्यवस्था सही कीजिए। वहाँ दवाई के कारण, व्यवस्था के कारण मरीज को इलाज नहीं हो रहा है, गरीब आदमी मर रहे हैं, इसका जिम्मेदारी कौन है? सरकार को गरीब वोट दिया है, जनता वोट दिया है, मगर सरकार जनता के ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। महंगाई देखिए, आज आज थाली से आलू गायब हो गया, 40 रुपये आलू, 40 रुपये प्याज। गरीब मजदूर आज बैठा हुआ है, अपना बच्चे को पेट कैसे पालेंगे? तो क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रहा है जो रोजगार दे और महंगाई हो दे रहे हैं? एक नौ लॉकडाउन के कारण आज आदमी इतना मरा, उसका जिम्मेदारी कौन है? सरकार है। आज राशन विभाग में वही हाल है, जो आम आदमी जाते हैं अपना राशन के पूछने तो वहाँ मार धार हो रहा है। क्या सरकार तक के नाम नहीं, जब पता नहीं हो रहा है सरकार को, इस पर कोई ध्यान नहीं? यदि उनका शिक्षा मंत्री को नातिन को देखिए नाम काट दिया और उनको से तुरंत तुरंत फीस जमा किया गया, तो सरकार पर जनता के क्या भरोसा रह गया? क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यदि सरकार झारखंड के लिए जीते हैं तो काम नहीं करते तो कुर्सी छोड़े और किसी और के दे, जो झारखंड के संभाल पाए। जनता तरही तरही हो गया है।